कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री दूसरा अध्याय। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग्याभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता।